Veteran cricket commentator and writer Shri Sushil Doshi is the pride of Indore. Mr. Doshi inaugurated Shri Dinesh Shara's second book, Sanatan Leela. The book shares keys to manifest one's true potential using age-old wisdom of Sanatan Dharma. बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बधाई देना चाहता हूँ नव वर्ष की, दीपावली की। करीब पौने दो साल बाद मेरा इंदौर आना हुआ। आपको भी बहुत बधाई, और वास्तव में बधाई तो आपको देनी चाहिए क्योंकि आपने हमेशा सकारात्मक चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारा है और उनको आगे बढ़ाया है। मुझे अच्छा लगा और आश्चर्य भी हुआ। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि लोगों को आश्चर्यचकित करने की आपकी क्षमता वो इतनी ज़्यादा है कि हम लोग सचमुच में चक्कर खा जाते हैं कि इतना काम, इतने बड़े उद्योगपति, इतने सारे कामकाज, इतना फैलाव दुनिया में, परिवार के कामकाज, दुनिया भर के तनाव, लेकिन उसके बावजूद चेहरे पर आपके स्थिर एक जो संतोष आपके चेहरे पर रहता है वो अद्भुत है। मुझे हमेशा लगता है कि मनुष्य को चाहे लाख पैसा कमाए, चाहे लाख धनवान हो जाए, चाहे लाख लोगों में इज्जत बढ़ जाए, चाहे लाख लोकप्रियता हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है चेहरे पर संतोष। जो संतोष के बारे में कहा जाता है ना कि जब जाए आए संतोष धन, सब धन धूलि समान, बाकी सभी धन धूल के समान है। और मेरे ख्याल से ये इस कारण है कि आपने सनातन लीला नाम की जो पुस्तक लिखी है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये पुस्तक आपने लिखकर एक ऐसा कार्य किया जो किसी ने पहले इस श्रेणी तक पहुँचाने में, इस स्तर तक पहुँचाने में नहीं किया। तो ये यात्रा आपकी कैसी रही और कहाँ से शुरुआत हुई, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपके संबोधन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके विचारों के लिए मैं अनुग्रहित हूँ। और सनातन लीला जो नाम जो मैंने इसका रखा है, मैं मानता हूँ कि सनातन शब्द जो है वो टाइमलेस ट्रुथ, विरासत हमारी, और सब सनातन धर्म, सनातन कल्चर, वो सनातन जो शब्द है जो कि पूर्ण है, ईश्वर का संबोधन सनातन के रूप में मैंने करने की कोशिश करी है। मैंने आपने इतने शब्द मुझे कहे, मैं अपने आप को एक लाइफ का एक स्टूडेंट मानता हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो इस करोना काल समय में मुझे कुछ भी अच्छे अनुभव हुए, कुछ अच्छे विचार आए, उसकी मैंने कोशिश करी है कि मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। और हमारे जो सनातन कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, उसको मैंने संबोधन करने की कोशिश करी है। आपका बहुत धन्यवाद है। मैं चाहूँगा कि आप दो शब्द इस किताब के बारे में भी। नहीं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा जिस तरह से आपने किताब लिखी, कई विशेषताएँ सामने आई। जैसे आप एक सहज व्यक्ति हैं, मतलब आपके न चेहरे पर बनावट है, न आपके आचार व्यवहार में बनावट है, न आपके क्रियाकलापों में बनावट है, तो एक कृत्रिमता नाम मात्र को छूनी गई। और ये जो सहजता है, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है आपकी, ये आपके राइटिंग में भी उतर कर आई। मुझे अच्छा लगा कि आपने जो कुछ लिखा है ऐसा लगा दिल से लिखा है और दिल में उतरने की कोशिश की है। ये जब व्यक्ति करता है तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा संतोष उसी व्यक्ति को होता है जो कि ये काम करता है। मुझे अच्छा लगा जिस तरह से किताब लिखी और जिस तरह से आपने दिलों को छूने की कोशिश की, आध्यात्मिकता को सामने लेकर आए, ये बहुत ज़रूरी था। देखिए, आजकल जो नवयुवक हैं अपनी जड़ों से जुड़ नहीं रहे, वो अपनी विरासत को भूल रहे हैं और सांसारिकता में लिप्त हो गए। कोई बात नहीं, मज़े कर रहे हैं वो भी ठीक है, भौतिकता में डूब गए, लेकिन जो अपनी जड़ों से अगर आप उनसे जुड़ते नहीं हैं तो फिर आप अपने आने वाले कल के लिए कोई अच्छी बात नहीं करते, क्योंकि आप अपनी जड़ों को नहीं पहचानेंगे तो कल आपके आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो आपको नहीं पहचानेंगी और आपके किए गए कार्यकलापों को नहीं पहुँचाएगी। तो हमें सेल्फिश, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल स्वार्थी नहीं होना, हमें मानव मात्र का कल्याण की बात करनी। मुझे खुशी है कि आपने इस कार्य का बीड़ा उठाया, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि आपने टाइम्स ग्रुप को जिसके लिए चुना, क्योंकि आपने कोई कार्य किया, इतनी गंभीरता से कार्य किया, आपका समय बड़ा कीमती है,
आपने अपने उद्योगों में से समय निकालकर इस कार्य के लिए समय दिया है और एक ऐसा कार्य किया, सकारात्मक कार्य किया है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रोत्साहित कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काम है। और चूंकि टाइम्स ग्रुप इसके साथ जुड़ा है तो ये पुस्तक आपकी जन जन तक व्याप्त होगी। ये भारत में नहीं, सीमाओं को पार। देखिए, विचार कभी मरते नहीं, आदमी आता है चला जाता है, लेकिन अच्छे विचार हमेशा कायम रहते हैं। तो आपके ये विचार आगे बढ़ेंगे, न केवल भारत बल्कि सीमाओं के पार जाकर। जैसे हवाओं को कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार से अच्छे विचारों की भी सीमा नहीं होती। सीमाओं के पार जाकर आपके विचार दुनिया भर के बुद्धिजीवियों को और सामान्य लोगों को भी आंदोलित करेंगे। मेरे विचारों को आपने जो संबोधन किया है, धन्यवाद देता हूँ आपको। एक बात और मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता था कि चूंकि मैं क्रिकेट कमेंटेटर हूँ तो क्रिकेट की बात कहीं ना कहीं से आध्यात्मिकता के साथ जोड़ने की कोशिश करता ही हूँ। एक बार वो बड़े भावुक हो गए थे, हम लोग दक्षिण अफ्रीका में कहीं बैठे थे और वो कह रहे थे कि देखिए, दुनिया भर के लोग कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा ओपनिंग बैट्समैन रहा हूँ क्रिकेट इतिहास का, लेकिन मेरे मन को खुशी तब होती है जब चार लोग ये कहते हैं कि ये अच्छा आदमी भी है। तो कहने का मतलब है कि लोकप्रिय आदमी होने से या धनवान आदमी होने से या लोगों की निगाहों में चढ़ने से भी बड़ी बात होती है अच्छा आदमी होना। मुझे खुशी है कि तमाम धन दौलत की प्यास जो दुनिया भर में है, उसके साथ ही अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए एक अच्छा इंसान बनने की आप जो कोशिश लगातार कर रहे हैं और ईश्वर के साथ जो आपके मिलन की बात चल रही है, इन सिंक विद नेचर, इन सिंक विद गॉड, जिसको आप अक्सर कहते रहते हैं कि ईश्वर की लीला के हम एक अंग हैं, ये जो बात आपने इसमें भी दर्शाई है मुझे बहुत अच्छा लगा। समाज को प्रेरित करेगी, नई पीढ़ी को प्रेरित करेगी और मैं समझता हूँ कि उससे भी ज़्यादा आपके दिल को संतोष मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके शुभ विचारों के लिए।